जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ। निर्मला कैथलिक स्कूल, टीचर्स फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु, वेल डेवलप्ड क्लासरूम्स विद लाइब्रेरी, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश, एडमिशन फ्री ऑन 27 जन। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मौनिया चौक के पास मेन रोड पर घूमते दिखे दो मासूम बच्चे स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया। इस संबंध में बताया जाता है कि दो बच्चों को मौनिया चौक के पास मेन रोड पर घूमते हुए देखा गया। स्थानीय दुकानदारों ने देखकर आसपास के लोगों से बच्चों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के परिजन का कोई पता नहीं चल सका। वहीं बच्चों से भी पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे ने भी कुछ नहीं बताया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, तभी स्थानीय लोगों ने नगर थाना क्षेत्र को सूचित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष रवि कुमार ने गुमशुदा बच्चे को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गए, जहां बच्चों के परिजन की पहचान नगर थाना गोपालगंज जुट गई है। आईटी पार्क जिले का एकमात्र कंप्यूटर संस्थान जो नाइलिट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीसीसी और ओ लेवल में नामांकन प्रारंभ है, जो सभी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य है। बिहार सरकार के कुशल युवा प्रोग्राम में नामांकन प्रारंभ है। पता जादवपुर रोड गोपालगंज। बेटा कहाँ घर पड़ी? पापा का नाम बताइए। पापा का नाम बताइए। 1.5 साल होगा, एक का उम्र 3 साल होगा। ऐसे ही टहल रहे थे तो लोगों ने पूछा तो मम्मी पापा कहाँ हैं, तो नहीं बोलो भी कुछ नहीं बता पाए, इसलिए वो थाना में फ़ोन किया गया और थाना के सुपुर्द कर दिया गया उन दोनों बच्चों को, ताकि उसके माँ बाप आएँ और सही सलामत अपने बच्चों को ले जाए। कौन जगह ये? मेन रोड मौनिया मेन रोड है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार केडिया। इंडियन और जर्मनी दवाओं का अनूठा संगम गोपालगंज होमियो हॉल, होम्योपैथिक दवाओं की शुद्धता की गारंटी। गोपालगंज होमियो हॉल, घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 8969071002। जीपीएल न्यूज हर खबर आपके साथ।